तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कि सर्दियों में कोई ऐसा फ्लावर ग्रो करे जो आपकी गर्मियों तक भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे, बिल्कुल से सारे पूरा आपका गार्डन एकदम से खाली ना हो जाए, तो मैं बोलूँगी कि आप इस गजानिया को ज़रूर ग्रो करो अपने गार्डन में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनकी केयर कैसे करनी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ इसके लिए आपको सॉइल कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों, कोई अलग सा रूल नहीं है, आप गजानिया हो, पिटूनिया हो, डेंथस हो या गर्मियों वाले फ्लावर्स हो, रूल सबके एक ही होते हैं कि जो सॉइल है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब आप मिट्टी आपकी ड्राई होगी तो वो बिल्कुल बाउंड हो जाएगी और जो फ्लावर्स हैं या कोई भी प्लांट्स हैं तो उनके रूट्स ठीक से फैल नहीं पाएंगे, और अगर रूट्स ही डेवलप नहीं करेंगे तो फ्लावर्स तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी फ्लावर को अगर आप ग्रो कर रहे हो या किसी भी प्लांट को आप ग्रो कर रहे हो तो उसकी सॉइल जो है वो लूज़ होनी चाहिए। जैसे 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लो, उसमें आपको 30% सैंड या कोकोपिट मिक्स करना है, ये आपको करना ही करना है, और बाकी का 20% आप फर्टिलाइज़र ले लो, आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, गोबर वाली खाद ले लो, पत्तों वाली खाद ले लो। लेकिन फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखो, जब आप कोई फ्लावर परचेज करके नर्सरी से लाते हो, घर लाने के बाद आप उसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हो, तो उसी वक्त आप उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड मत करो, क्योंकि नर्सरी में भी वो लोग कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र केमिकल ही स्प्रे करते हैं। तो आप तुरंत कर दोगे तो आपका प्लांट ओवर फर्टिलाइज हो जाएगा और हो सकता है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। नंबर टू, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करनी है आपको इसमें? तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे विंटर्स फ्लावर्स के लिए ये एक DAP फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो ये। और जो ये प्लांट का, ये जो प्लांटर है ये थोड़े बड़े साइज़ का है, तो इसके लिए आपको एक पूरा फुल स्पून ये इसमें डाल सकते हो। इसमें आपको करनी ये है, एक टेबलस्पून आप DAP के कुछ दाने ले लो और इसमें इसको आप अच्छे से स्प्रेड कर दो। और अगर जगह नहीं है, भरा भरा सा प्लांट है, तो आप इसको 1/2 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून DAP को आप डाल दो। उसके बाद आप इसको 24 to 48 आवर्स तक के लिए छोड़ दो। जब आपके DAP के दाने अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो आप इसको इजीली, जैसे आप पानी डालते हो वैसे नॉर्मल आप उसमें डाल दो, वो उसके लिए फर्टिलाइज़र हो गया, सही फर्टिलाइज़र ये। आप पूरे सीज़न आप इसको हर 15-15 दिन पर ये DAP के दाने आप इसमें डालते रहो, और कोई फर्टिलाइज़र डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, सनलाइट। तो प्लांट्स कोई भी हो, सर्दियों वाले हो, गर्मियों वाले हो या सालों भर वाले हो, सनलाइट तो सबको चाहिए। तो हर प्लांट्स की तरह इसको भी आपको कम से कम दिन भर में 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। जब तक इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी ये नहीं ग्रो करेगा। आप इसमें कितनी भी अच्छी से फर्टिलाइज़र डाल लो, कितने भी अच्छे से वाटरिंग कर लो, सनलाइट अगर नहीं मिलेगा इसको डायरेक्ट तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। कोई भी फ्लावर प्लांट आप में आपके फ्लावर्स नहीं आएंगे अगर उनको अच्छी से सनलाइट नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप पूरा ध्यान रखो कि आप इसमें 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आपको मिलनी चाहिए। नंबर 4, वाटरिंग। तो दोस्तों, जहाँ तक वाटरिंग की बात है, ये देखो आप, अभी आप इसको देखो, ये मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये अभी इसकी मिट्टी ऐसी है, ना तो बहुत ज़्यादा सूखी है, बिल्कुल ड्राई है, और ना बहुत ज़्यादा सॉगी है। आपको इसको सॉगी बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब पानी भर दिया और जब उसमें फिंगर डालो तो पूरा अंदर चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऐसी रहनी चाहिए, ये देख रहे हो। जब आपको लगे कि इसकी अपर लेयर ड्राई होने लगी है तो आपको इसमें पानी डालना है। ऐसा नहीं है कि अगर हर रोज़ आप बस पानी डालते जाओ, वो नहीं होना चाहिए, आपको चेक करना है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको गजानिया से रिलेटेड सारी बातें बता दी। एक बात का और आप ध्यान रखना, जब ये फ्लावर ब्लूम कर जाएं, जब ये फ्लावर खिल जाएं पूरी तरीके से, तो अगर आप चाहते हो कि ये और अच्छे से बने तो आपको करना ये है, जैसे ये है, इसको आप ऐसे, ये देख रहे हो, यहाँ से ये देख रहे हो, ये यहाँ से आपको इसको तोड़ देना है, ये देखो, ये फिर यहाँ से और अच्छे नए फ्लावर्स आएंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके प्लांट्स, आपको इनको हटाना तो है ही, तो आप इस तरह से इसको पिंचिंग इनकी करते रहो आप, तो इसमें फ्लावर्स नए और ज़्यादा अच्छे तरीके से आते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी गजानिया के बारे में सारी बातें। और अगर आपको अब भी लगता है कि आपको इस प्लांट के बारे में कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस प्लांट के बारे में या किसी भी विंटर प्लांट्स के बारे में, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।